तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मैं दिल्ली से आया हूँ उत्तराखंड, स्पेशली अंकल जी के उत्तराखंड के स्पेशल छोले कुलचे खाने। सत श्री अकाल अंकल जी, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल जी। अपने बारे में कुछ स्टोरी बताइए, मतलब लोग उत्तराखंड से, दिल्ली से भी लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं आपके छोले, मशहूर उत्तराखंड के छोले कुलचे खाने, तो क्या है इसकी हिस्ट्री, मतलब आप इतना हार्डवर्क करते हैं? ऐसा है सर जी, मैं पहले दिल्ली में ही पटेल नगर में रहता था। ओके। 84 के दंगे के अंदर मैं यहाँ पे रुद्रपुर में आया था उत्तराखंड के अंदर। ओके। और छोटे छोटे कार्य से मैंने अपना जीवन व्यतीत किया। ओके। उसके बाद मैंने ये सोचा कि किसी प्रकार से मैं छोटा सा अपना ढाबा चलाऊं। हाँ। तो वो शौक के तौर पे मैंने ये ढाबा खोला। हाँ। जिससे कि लोगों को मेरा ये पसंद आया खाना। बिल्कुल। तो इस प्रकार से लोगों ने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल मैप पे अपने ही आप डालना चालू कर दिया। हाँ। हमने किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं करी कि ऐसा करना है वैसा करना है। हाँ। जिसको जैसा लगा उसने, मतलब मैं भी लगा लीजिए 2 साल पहले आया था, बनाना चाहता था वीडियो, मतलब कुछ काम की वजह से मैं नहीं बना पाया। हाँ, सॉरी उस चीज के लिए। तो अभी मैं आया हूँ स्पेशली अंकल जी की वीडियो बनाने, मतलब कि क्या स्पेशल है भाई, लोग यहाँ पे ढूंढ सर्च कर करके आते हैं गूगल पे। और मैं थोड़ा सा दिखा दूँ अंकल के जो सेटअप है वो एक ऑटो में है। ये बहुत बड़ी बात है कि होंडा और महिंद्रा के शोरूम के बाद नेक्सा शोरूम पास में है, मारुति सुजुकी, सबके मैनेजर वगैरह यहाँ पे आते हैं, सबके वर्कर वगैरह यहाँ पे खाने आते हैं अंकल जी, हैं शोरूम के? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सारे ही, मतलब दोपहर के टाइम भीड़ लग जाती है, भीड़ लग जाती है। और अंकल जी का मतलब 2-3 घंटे में पूरा माल साफ हो जाता है। एक्चुअली क्या टाइमिंग क्या रहती है अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो? मेरा वैसे 10 से 4 का टाइम है। अच्छा, वैसे 10:30 हो जाए। हाँ। और 4:30-5 बज जाए वो अलग वाली बात। हाँ। है, वैसे मेरा 10 से 4 का अपना 10 से 4 का टाइम है। हाँ जी। चाहे अभी अभी तो जैसे विंटर चली है, ठंडियाँ हैं। हाँ। तो अभी 4 से मॉर्निंग में 10 से 4 का टाइम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और गर्मियों में क्या टाइम रहता है? मतलब यही है कि आधा घंटा घंटे का मार्जिन लेके चलते हैं ताकि माल को सेफ रहे, सेफ रहे। हाँ। इस प्रकार से ये सब मेरे हाथ के। हाँ। बनाए हुए मसाले हैं। अच्छा। और दूसरा प्रकार ये है कि ये जो कैच का मसाला है। अच्छा, ये आपके स्पेशल आपके बनाए हुए सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और ये कैच के मसाले यूज करते हैं? हाँ जी। मैंने देखा है आप अमूल बटर और देसी घी, मतलब अमूल का ही यूज करते हैं, ब्रांडेड। हाँ जी। और ये तवे के बारे में बताइए, ये सेटअप ये कैसे बनवाया, कैसे सोचा अंकल जी आपने? एक्चुअली क्या कि सर जी, मैं जितना भी चाहता था कि भाई अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करूं कि भाई अपना खाने के लिए कि भाई मेरा। हाँ। कस्टमर खुश होकर जाए, खुश होकर जाए। हाँ। तो इस प्रकार से मैंने सोचा कि भाई होटल तो मैं ले नहीं पाऊंगा। हाँ। तो होटल के बावजूद मैंने ऑटो में सोचा कि मैं छोटा सा सेटअप। हाँ। बनाता हूँ। हाँ। तो इस प्रकार से जगह कसूरी मेथी भी डालते हुए अंकल जी, कसूरी मेथी का भी यूज कर रहे हैं, बताइए। और मतलब अंकल, इतना ज्यादा अच्छी क्वालिटी के मसाले यूज करने के बाद भी आपने प्राइस इतना कम रखा हुआ है? दरअसल ऐसा है कि ऐसा है, मैं कम कमाने का शौक रखता हूँ। हाँ। कोई मुझे ऐसा नहीं है, मैंने मतलब कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मायने रखते हैं। कस्टमर जो है मेरा खुश होकर जाए, मुझे कुछ नहीं है। आज से 5 साल पहले भी मैंने 30 रुपए का रेट रखा हुआ था। ओके। छोले कुलचे का 30 रुपए का रेट था। हाँ, नॉर्मल जो है। हाँ। और जो देसी घी और अमूल के बटर वाले हैं वो मेरा 50 रुपए का पहले भी रेट था और आज। अच्छा, अच्छा। नहीं, वो तो चलता भी है कि मक्खन अगर आप बटर यूज कर रहे हैं अमूल का और देसी घी। हाँ जी, हाँ जी। तब तो दिल्ली में भी खैर इतना ही रेट आता है। और क्या है कि हमारे यहाँ पे रुद्रपुर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हर एक चीज पे रेट तो अभी खैर लॉकडाउन के बाद बहुत बढ़ गए, मगर आपने वही रेट रखा है तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरा नैपकिन का देखो, डोने का देखो, सिल्वर डोने का देखो, ये हसन घी का देखो, मतलब एक्चुअली में 5-10 रुपए करके सब जगह जोड़ोगे तो 100-200 रुपए 100-200 रुपए हो जाता है। सही बात, 200 रुपए के बजाय मैंने 1 रुपए नहीं बढ़ाया। मैंने चलो यार, लॉकडाउन के बाद भी लोगों ने 3 गुना रेट बढ़ा दिए, मगर आपने रेट वही रखा। मेरा वही का भैया, गैस आज गैस मैं 70-80 रुपए लीटर का भरवाता था और आज मुझे 100 रुपए लीटर का गैस भरना गैस भरना पड़ा है। तो तू भी, मैंने कोई बात नहीं, मेरा मतलब अपना खुश है कि मेरा दिल दिमाग है कि मैंने यही काम करना है। तो मैं थोड़ा सा व्यू दे दूं गाइस आपको, ये ऑटो है और ये इनका सेटिंग एरिया है, और लोग खड़े होके खाना चाहें तो खड़े होके भी खा सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड में। और एक छोटा सा ऑटो है ये, और ये इनका बैनर है कुछ, उत्तराखंड के मशहूर छोले कुलचे, और प्राइस भी मेंशन है। और सुपर स्पेशल छोले 50 रुपये, अमूल मक्खन छोले 50 रुपये, स्पेशल छोले कुलचे ओनली 30 रुपये। और अंकल ये बताइए कि आप मतलब छोले कुलचे के अलावा कुछ और भी देते हैं, राजमा चावल, उरद चावल, ऐसा कुछ? हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास 7 दिन का मेनू है, 7 दिन के
अंदर मैं डेली चेंज करता हूँ कस्टमर के लिए। अच्छा अच्छा, अब बताएं अंकल, 7 दिन का मैंने सुना है कि 7 दिन का अलग अलग मेन्यू होता है। हाँ जी सर जी, ऐसा है ना एक्चुअली क्या कि एक दिन ही राजमा दिन चावल खिलाने के बाद हाँ, दूसरे दिन आदमी नहीं खाता, नहीं आता, बोर हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने ये सोचा कि प्रतिदिन अलग अलग ही आदमी को खिलाया जाए। तो मैंने इस प्रकार से 7 दिन में 7 दिन अलग अलग लेके आता हूँ कि जैसे दाल चावल, कड़ी चावल, राजमा चावल, चने चावल, अच्छा, छोले अच्छा, चावल, उड़द हाँ, राजमा, कड़ी कोफ्ता। ओके, तो 7 दिन अलग अलग होता है मेरे साथ। और छोले कुलचे रेगुलर होते हैं, वो प्रतिदिन मिलेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो मतलब हर दिन मंडे को कोई आता है तो अलग, ट्यूजडे को आता है तो खाना कुछ अलग। हाँ जी हाँ जी, मतलब कस्टमर रोज रोज आए। हाँ जी, चलिए। और ऐसा कुछ है दाल चावल, कड़ी चावल, राजमा चावल, चने चावल, छोले चावल, उड़द राजमा और कड़ी कोफ्ता, फुल प्लेट है अंकल जी के यहाँ पे 30 रुपये और हाफ प्लेट अंकल 20 रुपीज। 20 रुपये, चलिए। तो अंकल एक छोले कुलचे लगाइए, थोड़ा दिखाते हैं दर्शकों को भी, मक्खन वाले, बटर वाले। तो आई थिंक मैं आज पहला कस्टमर हूँ अंकल। हाँ, अभी आगे दुकान खुली है। अच्छा अच्छा, अभी ओपन हुई है और अभी मैं पहला कस्टमर हूँ। मैं काफी टाइम से 2 घंटे से करीब वेट कर रहा था, चक्कर लगा। आप इंग्रेडिएंट्स वगैरह बनाते हैं छोले, ये सब फ्रेश बनाते हैं? हाँ जी, एक छोटा, क्योंकि ये तो मुझे भगवाना छोटा सा लग रहा है, मतलब 2-3 कस्टमर में खत्म हो जाएगा, 5 कस्टमर में। ये 5-6 प्लेट का माल है मेरे पास। अच्छा, 5-6 प्लेट बन जाती है। अच्छा, इसमें 2 रह जाएंगी तो मैं फिर 5-6 का तैयार करके रख देंगे। एक्चुअली क्या है कि मेरे पास भीड़ के साधन की वजह जगह कम है और तो इसको फैलाव कर नहीं सकते, तो मैंने ये पतली दो रखी हुई है कि अल्ट करता रहता हूं। मतलब मैंने देखा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना के रख लेते हैं, फिर उसका टेस्ट थोड़ा बिगड़ने लगता है कुछ टाइम के बाद। मैं हैंड टू हैंड बनाता हूं सर। हैंड टू हैंड बनाते हैं, चलिए ये बहुत अच्छी चीज है। और छोले में आपने जैसे क्या क्या डाला है अंकल? इसमें प्याज है, हरी मिर्च, इसमें हरी मिर्च है, टमाटर है, धनिया है, प्याज है। और इस प्रकार से मैंने इसके अंदर तीनों चीजें डालने के बाद अपना हाथ से तैयार किया वो गर्म मसाला होता है। अच्छा, जो जिसमें मोटी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, सारे खड़े मसाले, मतलब खड़े मसाले किस वेट से करना है ये मैं अपना किसी को नहीं बताता। नहीं बताते, सीक्रेट इंग्रेडिएंट। चल, ये तो हर जगह होता है। हाँ जी, इसीलिए कस्टमर यहाँ ढूंढ ढूंढ के आता है। और इसमें अलावा मैं 3-4 चीजें और ऐड कर रखी हैं, वो भी नहीं मैं बताता हूँ। अच्छा अच्छा, अगर कोई मेरे से पूछना चाहेगा तो मैं तसल्ली से बताऊंगा उसको, ताकि वो मेरा शेयर ना। कहाँ से है मतलब? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली से बिलोंग करते हैं आप? अच्छा। जी, मैं, मेरा पटेल नगर के अंदर अपना निजी मकान था। 84 के अंदर दंगा हुआ था, 84 के जो 84 के दंगे हुए थे, उसके बाद आप उत्तराखंड आ गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और तब से ही आप ये लगा रहे हैं? नहीं नहीं, फिर अच्छा। उसके साथ मैंने कई व्यवसाय किए, मैंने बहुत सारे बिजनेस करे, छोटे छोटे बिजनेस से अपना जीवन व्यतीत किया। एक्चुअली क्या है कि मेरा शौक है। तो ये कितने सालों से अंकल है ये बिजनेस, आप कब से चला रहे हैं ये? मेरा 5 साल से इसी जगह पर। अच्छा, और ये लोकेशन भी आई थिंक बहुत अच्छी है। ये सामने ही आपको होंडा शोरूम है, और आप पास में जाएंगे तो यहाँ पे महिंद्रा का शोरूम है, नेक्सा शोरूम, मारुति सुजुकी के शोरूम है। तो सबके मैनेजर मैंने देखा है, सेल्स मैनेजर या सेल्स एग्जीक्यूटिव, सारे एम्प्लॉयज यहीं पे आके खाते हैं अंकल जी के यहाँ पे। और काफ़ी नीट एंड क्लीन सफाई से अंकल जी बना रहे हैं, ये देखिए। ये प्लेटों का साधन है ना, इस प्रकार से कि हमें पता है कि 50 प्लेट लगनी है, 100 लगनी है या 10 लगनी है, कितनी लगनी है, तो उसी प्रकार से हमने अपनी कैपेसिटी रखी हुई है प्लेटों की। ये प्लेटें हमने क्या करा कि बंदा रखा हुआ है। अच्छा। और उसमें प्लेटें उठा के सिर्फ डस्टबिन के अंदर डालनी होती है। उसके बाद रात को जाता है, गर्म पानी में साफ होके कपड़ा लग के इस तरीके से पैकिंग होके आ जाता है। हमें प्लेट को नहीं छूना है, नहीं, नेक्स्ट टाइम भी दूसरी प्लेट मांगोगे तो मैं दूसरी प्लेट दूंगा। ओके, ना कि मैं उसी मतलब एक दिन के लिए जो आप लाते हैं फ्रेश एकदम। हाँ, बस घर से साफ हो गए, साफ सुथरी। ओके, बार बार कस्टमर को सेल्फ डिलीवरी दे रखी है। ओके ओके, उसमें क्या कि जो हमारा आदमी रखा हुआ है वो जूठी प्लेटें उठाएगा उसी के साथ अपना हैंड से। सही बात है, फिर प्लेटें दे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो क्लीनलीनेस का देख लीजिए अंकल जी ने कितना ज्यादा ख्याल रखा हुआ है। और कस्टमर की डिमांड भी यही होती है कि खाना टेस्टी हो, साफ सुथरा हो। तो हमारे छोले कुलचे लगते हुए बटर वाले, अमूल बटर दिखा दीजिए इसमें अंकल। हाँ, देख लीजिए, मतलब कोई फेक नहीं, कोई डुप्लीकेट कंपनी का नहीं, अमूल बटर यूज कर रहे हैं। एक अभी न्यू फ्रेश अंकल जी ने अभी ओपन करी है फ्रेश बटर की टिकिया।
ये छोले तैयार हो गए हैं, मतलब हमारे एकदम धुआं निकलता हुआ गरम गरम भाप, ये स्टीम के साथ तैयार हो गए हैं। और जाड़ो में जो मजा है अंकल गरम गरम खाने का है वो कहीं और नहीं। एक एक्चुअली क्या कि छोले डाल दिए पतीली में और नीचे गैस जला दिया और जला रहे हैं और उसको गर्म कर रहे हैं, उसकी भाप और सारी खुशबू तो निकली जा रही है। ये स्टीम के साथ पक गए हैं। मतलब मैंने ये कटोरियां जो थोड़ा नया स्टाइल देखा है मैंने, ये किसी पे मैंने नहीं देखा कि उसका टेस्ट भी बाहर नहीं जा रहा है ना, स्टीम बाहर जा रही है। तो थाली तैयार हो गई हमारी, खाएंगे अभी आराम से बैठ के। तो ये थाली है, थैंक यू अंकल जी, धन्यवाद। ये हमारी थाली तैयार हो गई है, खाते हैं, टेस्ट करते हैं, देते हैं आपको रिव्यू कैसा होता है। हाँ, गर्मा गर्म कुलचे और छोले। ये रही पहली बाइट गाइस। तो जो पहली बाइट का टेस्ट है वो बहुत औसम है। आई थिंक आपको अगर कोई दिल्ली से आ रहा है नैनीताल, तो किच्छा बाईपास रोड पे ही है लोकेशन, अगर कोई आना चाहता है तो लोकेशन मैं शेयर कर दूंगा। और आई थिंक ये जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, आई थिंक वो आपको यहाँ पे आके टेस्ट करके ही पता चलेगा। और कैमरा तो जस्टिफाई नहीं कर सकता, तो आपको आना पड़ेगा यहाँ टेस्ट के लिए। ऑसम awesome।